नोट कीजिए, आई नंबर एक्स माइनस वाई बराबर एक, समीकरण एक है, टू एक्स प्लस वाई बराबर एट है, समीकरण दो, दो समीकरण है, नोट कीजिए। अब समीकरण एक से पहले लिखेंगे, समीकरण एक से एक्स माइनस वाई बराबर एक, एक्स बराबर ये वाई को उस साइड भेज देंगे, ठीक है, ये y को उस साइड भेज देंगे, एक प्लस वाई हो जाएगा। अब यहां पर एक वैल्यू टेबल को इस टाइप से बना लेना है, यहां x और यहां y नोट करेंगे, ठीक है। अब यहां देखना है y का मान अपने मर्जी से रखेंगे, जैसे y का मान जीरो रखेंगे, ध्यान से जो नहीं पहली बार सीख रहे हैं तो उसको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, y का मान जीरो रखेंगे, x का मान एक होगा, एक प्लस जीरो एक हो जाएगा। अब मान के चलिए y का मान हम माइनस एक रख, बातचीत बंद करेगा, y का मान के चलिए माइनस एक रख देते हैं, ठीक है ना, क्या रख देते हैं, माइनस एक रख देते हैं, तो प्लस एक माइनस एक हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, जीरो। तो अगर y का मान माइनस एक रखते हैं तो ये क्या हो जाएगा, जीरो, समझ में आए। तो ये वैल्यू टेबल तैयार हो गया, ठीक है। अब समीकरण दो से लिखेंगे, समीकरण दो है टू एक्स प्लस वाई बराबर एट। अब देखो यहां पर क्या है, टू एक्स प्लस वाई बराबर एट है ना, तो ये 2x को उस साइड भेज देंगे तो 8 माइनस 2x हो जाएगा ना, तो यहां पर y बराबर 8 माइनस 2x कर दिए, ठीक है। अब यहां पर इसका वैल्यू टेबल इस साइड बनाओ या नीचे बनाओ, ठीक है, ये वैल्यू टेबल बना देना है। अब सुनिए, अगर x का मान हम क्या लें, x का मान क्या रखें, जीरो रखें, ठीक है ना, x का मान जीरो रखेंगे तो दो गुना जीरो, तो जीरो हो जाएगा, तो आठ में से जीरो जाएगा तो क्या बचेगा, आठ, तो y का मान आठ हुआ। सपोज दैट अगर आपका मन में हुआ x का मान चार रख दे, क्या रख दे, चार, तो कितना हो जाएगा, चार दुना आठ, तो आठ में से आठ जाएगा, क्या हो जाएगा, जीरो। तो मतलब क्या रखें, x का मान चार रखे तो क्या हुआ, जीरो। तो बस ये वैल्यू टेबल हम लोग का क्या हुआ, बन गया। एक्स अक्ष वाई अक्ष खींच लेते हैं, इस स्केल को इस प्रकार से पकड़ेंगे और इस प्रकार से खींचेंगे, यहां एक्स देना है, यहां एक्स डैश देना है, वाई देना है, वाई डैश देना है, ओ मूलबिंदु देना है। जल्दी से कीजिए, स्पीड में थोड़ा सा कीजिए, यहां नंबरिंग कर देंगे, चलिए इधर सात तक ही रखते, बातचीत बंद कीजिए, माइनस एक माइनस दो माइनस तीन माइनस चार माइनस पाँच माइनस छः माइनस सात, ये वैल्यू टेबल से अब इस पर हम लोग प्लॉटिंग करेंगे। हाँ, इस वैल्यू टेबल से इस पर प्लॉटिंग करेंगे, देखिए एक्स का मान एक है,
और वाई का मान क्या है, जीरो। तो एक्स का मान एक यहां पर है तो यहां पर पॉइंट हो जाएगा, और यहां पर पॉइंट दे करके लिखेंगे एक कोमा जीरो, एक कोमा जीरो। अब सुनिए, एक्स का मान क्या है, जीरो, क्या है, जीरो। तो एक्स का मान जीरो, वाई का मान माइनस एक, तो माइनस एक वाई का मान कहां है, तो ये रहा, तो यहां पर हो जाएगा बी पॉइंट, जीरो कोमा माइनस एक, बी पॉइंट हुआ जीरो कोमा माइनस एक। अब इससे हम लोग एक रेखा खींच लेना है, ठीक है, एक बड़ा सा रेखा खींच लेना है स्केल रख करके। और यह जो रेखा आया है वो x माइनस वाई बराबर एक, समीकरण एक से तो ये कर दिए, ठीक है। अब यहां देखिए ध्यान से, यहां ध्यानपूर्वक देखिए, x बराबर जीरो है और y बराबर आठ है, तो y का मान आठ कहां है जी, y का मान आठ यहां पर है, तो पॉइंट एक यहां हो जाएगा, हाँ, ये हो जाएगा आपका c पॉइंट जीरो कोमा आठ। जल्दी से करने का काम कीजिए, c पॉइंट आ जीरो कोमा आठ। फिर देखिए x का मान क्या है, चार, y का मान जीरो, तो x का मान चार यहां पर है, तो यहां पर दे दिए d पॉइंट चार कोमा जीरो। चलिए अब स्केल रख करके इस दोनों पॉइंट को मिला देना है, ये इस प्रकार से मिला दिए, ठीक है। अब देखिए यहां पर यह जो रेखा प्राप्त हुआ समीकरण दो से, तो समीकरण दो नोट कर देंगे, टू एक्स प्लस वाई बराबर एट, समीकरण दो, ठीक है, समीकरण दो। अब सवाल में जो कहा जा रहा है उसको सबसे पहले हम लोग को समझ करके इसकी कुछ बातों को लिखेंगे। जैसे कि 15 का बी में कहा, निम्नलिखित रैखिक समीकरण युग्म को हल करें, तो इसका हल जो होगा वो प्रतिच्छेदी बिंदु से पता चलेगा, प्रतिच्छेदी बिंदु से पता चलेगा, प्रतिच्छेदी बिंदु, हाँ, प्रतिच्छेदी बिंदु क्या हुआ आपका ग्राफ का, तो देखिए आप अपनी ग्राफ को कहाँ पर काटा है, तीन कोमा दो पर, तीन कोमा दो पर काटा है, तो यहाँ पर तीन कोमा दो लिख देना, समझ में आई बात, हाँ, तो x बराबर क्या होगा, तीन, और y बराबर दो, तो ये आंसर हो गया, लिखें, चलिए ये एक बात हो गया। फिर कह रहा है इन रेखाओं और y अक्ष से घिरे क्षेत्र को छायांकित कीजिए, इन रेखाओं मतलब समझ रहे ना, ये रेखा और ये रेखा, ठीक है ना, इन रेखाओं, ये रेखा और ये रेखा, और y अक्ष, तो y अक्ष ये रहा, तो ये रेखा एक रेखा हुआ, ये दूसरा रेखा हुआ, ठीक है ना, या तीसरा रेखा ये y अक्ष हुआ, ठीक है, तो इससे घिरे क्षेत्र को क्या कीजिए, छायांकित कीजिए, तो ये छायांकित होगा, छायांकित करने में कोई दिक्कत नहीं ना हो रही है, तो ये छायांकित हो गया ये वाला भाग, ठीक है, ये छायांकित हो गया, हाँ, छायांकित करने के बाद जो है इसमें कहा गया है, हाँ, इसका क्षेत्रफल भी ज्ञात करें, इसका क्षेत्रफल भी ज्ञात लिखना, छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल, वन बाय टू, छायांकित भाग त्रिभुज है इसलिए त्रिभुज का क्षेत्रफल, छायांकित भाग कैसा है जी, त्रिभुज के आकार का है ना, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल वन बाय टू आधार गुना ऊंचाई। आधार देखिए क्या होगा जी, आधार होगा ए, यहां मूल बिंदु से यहां तक आठ है, ठीक है, इधर माइनस एक है, तो आठ एक नौ, आधार हो जाएगा नौ, समझ में आई बात, अगुना ऊंचाई क्या होगा, तो ये देखो, तो ये तीन हो जाएगा, कितना हो जाएगा, तीन, बिल्कुल सही, कितना, तीन, तो कितना हो जाएगा, नौ गुना तीन कितना, सत्ताईस बटे दो, तो देखिए यही आंसर दिया है कि दशमलव में दिया गया है, यही है, यहां पर लिख देंगे वर्ग इकाई,
वर्ग इकाई आंसर हो गया। ठीक है, 15 का बी जैसे आप देख रहे हैं बनाए हुए हैं, ठीक है ना, वैसे 16 नंबर की सवाल जो है, दो गो सवाल है, हाँ ये 16 नंबर की सवाल ऐसे ही बनेगा जैसे 15 का बी बनाए हैं। ठीक है, सबसे पहले दो समीकरण दिया गया है, समीकरण एक से वैल्यू टेबल बनाएंगे, समीकरण दो से वैल्यू टेबल बनाएंगे, यह रेखा एक्स अक्ष खींचेंगे, वाई अक्ष खींचेंगे, इस पर अंक बैठाएंगे और वैल्यू टेबल से इस पर अंक बैठा करके हाँ इससे रेखा प्राप्त करेंगे, और जिस प्रकार से यहाँ त्रिभुज बन रहा है इसी प्रकार से इस इन सभी में भी त्रिभुज बनेगा। ठीक है ना, वाई अक्ष और इन रेखाओं से घिरे क्षेत्र को छायांकित करें, क्षेत्रफल का रहा है नहीं निकालने के लिए, बस आपको छायांकित कर देना है, हल वाला लिख देना है, ई वाला नहीं लिखना, समझ गए बात को, करने हो जाएगा ना। तो 16 नंबर भी होमवर्क रह गया। ठीक है, अब 17 नंबर का आपको बता दे रहे हैं, 17 नंबर लिखिए, 17 नंबर बना देते हैं, 17 के जैसा 18 बनेगा, 19 बनेगा, ठीक है ना, इस प्रकार से आपको बनाना है, 17 18 19 एक टाइप का सवाल है, 17 बता देते हैं, 17 नंबर के जैसा 18 19 नंबर बनेगा, इसलिए 17 को पहले समझ लीजिए, 17 नंबर की सवाल को पहले समझ लीजिए, 17 नंबर समीकरण है 5x -6y +30 =0, समीकरण एक, 5x +4y -20 =0, समीकरण दो, कह रहा है निम्नलिखित रेखिक समीकरण निकाय को आलेखीय विधि से हल करें, आलेखीय विधि से हल करें, दोनों रेखाओं यानी समीकरण एक और दो से जो दो रेखा प्राप्त होगा वो दोनों रेखाओं और एक्स अक्ष से निर्मित त्रिभुजों के शीर्ष को ज्ञात करें, यानी कि शीर्ष का निर्देशांक लिखना है या शीर्ष के नियामक ज्ञात करना है, एक ही बात हुआ। 16, 17, 18 ठीक है, एक टाइप का सवाल है, पहले समीकरण एक से लिखेंगे, समीकरण एक से 5x -6y +30 =0, यहां पर हम लोग लिख देंगे 5x बराबर, इसको उधर भेज देंगे, 6y प्लस हो जाएगा, इधर जाएगा -30, यहां पर x बराबर लिखेंगे 6y -30/5, यहां पर एक वैल्यू टेबल इस टाइप से बना लेना है, यहां x लिखना है, यहां y लिखना है। ठीक है, अब यहां देखिए, अगर y का मान हमने 0 रख दिए, समझ रहे बात को, y का मान 0 रख दिए तो 6 × 0 = 0, 0 में से 30 जाएगा -30/5, 5 से -30 कटेगा तो -6, तो x का मान -6 होगा। अगर y का मान हमने 5 रख देते हैं, 5 रख देते हैं तो 6 × 5 = 30, 30 − 30 = 0/5 का मान 0, तो 0 हो गया, समझ में आई बात, चलिए दिखते भी चलिए, ऐसे नहीं कि सर जी बना रहे हैं हम भी उतारेंगे पीछे पीछे, नहीं, साथ ही साथ लिखिए और समझने का प्रयास कीजिए। समीकरण दो से तो समीकरण दो है 5x + 4y - 20/0, चलिए देखिए, तो 5x बराबर क्या होगा, ये दोनों उस साइड जाएगा, जाएगा ना जी, तो 20 माइनस क्या हो जाएगा 4y, 20 − 4y। अब देखो यहां पर थोड़ा अल्टरनेटिव कर दिए, 20 को पहले लिखे, चूंकि -20 प्लस हो जाएगा, प्लस 4y उधर जाएगा तो -4y हो जाएगा, तो इसलिए -4y को बाद में लेते, कोई दिक्कत नहीं ना, x बराबर क्या होगा 20 − 4y / 5। अब इसका वैल्यू टेबल यहां बना लेना है, यहां पर वैल्यू टेबल बना लेना है, हाँ यहां x यहां y लिख देना है। अब देखिए,
यहाँ नीचे क्या है जी, 5 है। क्या रखना चाहेंगे पहले, वाई का मान 0, वाई का मान 0, तो क्या हो जाएगा, 5 × 20, समझ रहे बात को, क्योंकि वो उधर 0 हो जाएगा। अब मान के चलिए वाई का मान, वाई का मान 5, तो 5 × 20, 20 − 20 0, 0/5 0। तो बहुत इजी था ये, इसका वैल्यू टेबल तैयार करना बहुत ही इजी था। अब एक्स अक्ष और वाई अक्ष खींचेंगे, अगर जिसको नहीं आता है खींचने, बगल अगल की किताब, बगल अगल की कॉपी को देखेंगे, बहुत को ये रेखा खींचने नहीं आ रहा है, अंक बैठाने नहीं आ रहा है, और सवाल यह सब जो है 5 मार्क का है, परीक्षा में आता है तो 5 मार्क का आता है। चलिए जल्दी से कीजिए, बगल अगल देख लीजिए कौन कैसे कर रहा है। चलिए यहां पर 1, 2, 3, 4, 5, 6, अधिकतम 6 तक ही गया है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, इधर −1, −2, −3, −4, −5, −6, इधर भी −1, −2, −3, −4, −5, −6। चलिए अब अंक बैठा देते हैं, अंक बैठाने का काम हो जाने के बाद अब वैल्यू टेबल को बैठाते हैं। ध्यान से वैल्यू टेबल को सीखिए, एक्स का मान क्या है, −6, और वाई का मान 0, तो एक्स अक्ष पर −6 को ढूंढना है, तो एक्स अक्ष पर −6 यहां पर है, तो यहां पर पॉइंट हो जाएगा, ठीक है, और ए पॉइंट हो जाएगा −6, 0, समझ में आई बात। अब मान के चलिए एक्स का मान क्या है 0, और वाई का मान 5, अब वाई अक्ष पर 5 को ढूंढना है, तो वाई अक्ष पर यहां −5, तो 5 यहां प्लस में यहां पर है, यहां पर पॉइंट हो जाएगा बी पॉइंट 0, 5, अब इससे रेखा खींच देना है, ठीक है, इससे रेखा खींच देना है, दोनों पॉइंट को मिलाते हुए, दोनों पॉइंट को मिलाते हुए यहां हो जाएगा 5x − 6y + 30, समीकरण 1 = 0, समीकरण 1 का यह रेखा है। फिर देखिए क्या है जी, x का मान 4, y का मान, तो x का मान 4 है, तो x अक्ष पे 4 यहां पर है ना, तो यहां पर हो जाएगा c पॉइंट 4, 0। अब फिर देखिए क्या है जी, x का मान 0, y का मान 5, तो y का मान 5 यही पर है, यही पॉइंट हो जाएगा, समझ में आई बात। तो अब यहां से एक रेखा खींच देना इस प्रकार से, चलिए तो ये रेखा दोनों समीकरण से खींच लिए हैं, अब यहां पर लिख देंगे 5x + 4y − 20 = 0, समीकरण 2। अगर सही ढंग से नहीं बनाने का काम किया ना, तो बहुत मार मारेंगे, हाँ 5 मार्क का सवाल होता है ये। चलिए देखिए आगे क्या कह रहा है, इन रेखाओं और x अक्ष से निर्मित, देखिए इन रेखाओं का मतलब हई रेखा और हई रेखा, ठीक है, दो रेखा हुआ, तीसरा रेखा में क्या कह दिया जी,
एक्स अक्ष, तो एक्स अक्ष ये रेखा हो गया, तो त्रिभुज ये बनाना, ये वाला त्रिभुज बनाना। हाँ, तो इससे क्या कह रहा है, त्रिभुज के निर्मित त्रिभुज के शीर्ष को ज्ञात करें। तो लिखेंगे यहां पर आकृति के नीचे लिख देंगे त्रिभुज, त्रिभुज ए बी सी, ए बी सी के शीर्ष, ए बी सी के शीर्ष, शीर्ष क्रमशः, क्रमशः ए कोऑर्डिनेट, ए कोऑर्डिनेट माइनस 6.0, बी कोऑर्डिनेट, बी कोऑर्डिनेट 0.5 तथा सी कोऑर्डिनेट 4.0 है। यह आंसर हो गया, ठीक है। इसी टाइप से आपको 18, 19 बनाना है, ठीक है। 18 नंबर की सवाल और 19 नंबर की सवाल ऐसे ही बनाना है, हो जाएगा बनाने। चलिए, तो 18 और 19 जब हो जाएगा तो 20 नंबर की सवाल आपको बता दे रहे हैं, ठीक है। चलिए जल्दी कीजिए, अब दीजिए 20 नंबर। चलिए 20 नंबर को देखिए, 20 का आई नंबर समीकरण दिया है 2y-x = 8, समीकरण एक। फिर दिया है 5y-x = 14, समीकरण दो। फिर दिया है y-2x = 1, समीकरण तीन। इस ढंग से लिख देंगे, समझ में आई बात। अब यहां पर लिखेंगे पहले समीकरण एक से, समीकरण एक से, तो समीकरण एक है 2y-x = 8। ध्यान दीजिए, ये x को उधर भेज देंगे, इसको इधर लाएंगे तो क्या लिखा जाएगा, 2y-8 है, इधर जाएगा तो x, समझे। अब यहां पर वैल्यू टेबल बना लेना है, यहां x यहां y नोट करेंगे। बोलिए क्या मान रखेंगे, y का तो पहले 0, ठीक है, तो -8 हो जाएगा x का मान। फिर देखो y का मान क्या रखोगे, 4, 4 दुना 8, 8 में से 8 गया 0, 4 रखे तो 0 हो गया, समझ में आई बात। फिर जाकर के ये समीकरण एक का वैल्यू टेबल तैयार हो गया, तो समीकरण दो से वैल्यू टेबल बनाएंगे, समीकरण दो से, हाँ, तो क्या है 5y-x = 14, ठीक है। अब इसमें देखिए क्या करेंगे, 5y-14 = x। अब यहां पर हम लोग वैल्यू टेबल बना लेंगे, x y नोट करेंगे, क्या मान रखेंगे पहले जी, तो पहले मान, सपोज दैट हम मान रख देते हैं यहां पर 2 रख देते हैं, क्या रख देते हैं 2, y का मान 2 रख देते, 5 दुना 10, और 10 में से कितना जाएगा 14, तो कितना बचेगा -4। अब मान के चलिए इसमें रख दिए 3, तो कितना होगा, 3 बचे 15, 15 में से 14 गया 1। चलिए तो ये हो गया वैल्यू टेबल समीकरण 2 का। अब समीकरण 3 का वैल्यू टेबल यहां बना दे रहे हैं हम, समीकरण 3 का, समीकरण 3 का आप नीचे बना सकते हैं, समीकरण 3 से, समीकरण 3 है y-2x = 1, तो y बराबर क्या होगा 1+2x। ये देखो 11th क्लास का सवाल बन जाएगा, ठीक है ना, ये 11th क्लास का सवाल है, ऐसा समझिए, ये आपको एनसीईआरटी में नहीं मिलेगा, एक्स वाई ये सब सवाल एनसीईआरटी का नहीं है। बोलिए क्या मान रखेंगे y का, सॉरी x का क्या मान रखेंगे, 0, तो क्या होगा 1, समझ रहे बात को,
मान के चलिए आप क्या मान रखेंगे जी, हाँ एक रख दिए तो कितना होगा, दो हो जाएगा, तीन। चलिए अब एक्स अक्ष और वाई अक्ष खींचिए, चलिए जल्दी कीजिए। चलिए ठीक, अब यहाँ पर वैल्यू टेबल -60 वाई का मान यहाँ पर है तो यहाँ ए पॉइंट हो गया, एक्स का मान 0, वाई का यहाँ बी पॉइंट हो गया 0, अब तो हो जाएगा हाँ एक रेखा प्राप्त हो गया ये किस समीकरण से, तो 2y-x = 8 समीकरण एक, ठीक है। फिर समीकरण दो का x का मान -4 y का मान 2, x का मान -4 यहां पर है और 2 यहां पर है, ये 2 वाला लकीर इधर गया है और ये -4 वाला यहाँ पर है, यहाँ पर पॉइंट हो जाएगा C और हो जाएगा -4,2। चलिए अब क्या है, x का मान 1 है y का मान 3 है, यहाँ पर। चलिए यहाँ पर हो जाएगा D 1,3। चलिए हो गया, अब इससे एक रेखा खींचा जाएगा इस ढंग से, बातचीत नहीं करेगा, ठीक है, ये एक रेखा खींचा जाएगा इस ढंग से, खींचा गया है क्या, हाँ चलिए मेरा इधर कटा है आप लोग का सही से बनेगा, हाँ अब देखिए x का मान क्या है, x का मान y का मान 1, तो y का मान 1 कहाँ है, तो y का मान 1 यहाँ पर है ना जी, हाँ और तो ये हो जाएगा हम लोग का e पॉइंट 0,1। फिर देखिए x का मान 1 y का मान 3 यहीं पर हो जाएगा ना ये रेखा, चलिए तो इससे अब रेखा खींच देना है, चलिए ई जो रेखा प्राप्त हुआ समीकरण दो से हुआ तो ये लिख देना 5y-x = 14 समीकरण दो। फिर क्या है, समीकरण तीन का रेखा यह है तो ये है y-2x = 1 समीकरण तीन। समीकरण एक और दो हाँ से रेखा हुआ, फिर समीकरण तीन से रेखा हुआ, समीकरण एक दो तीन से रेखा प्राप्त हो गया, ठीक है। तो ये आपको ऐसे करने के लिए कहा गया था, तीन समीकरण दिया गया था और तीनों समीकरण से कहा गया है क्या, रेखाओं खींचिए, क्या खींचिए,
रेखा खींचिए, ठीक है। तो ये हम लोग कर दिए, हो जाएगा आप लोग को बाकी करने के लिए। दो नंबर तीन नंबर होमवर्क रह गया, ये बना के आना है, ठीक है, बना के आ जाओगे ना। चलिए 20 नंबर तक आपका चेक किया जाएगा, ये आपको बना करके आना है, ठीक है, जाइए उठाओ रे।